अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बूट नेक की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। उर्दू में हम इस गले को बेगला कहते हैं। सबसे पहले मैंने 5 इंच लेंथ में और चौड़ाई में एक फ्यूजिंग ले ली थी। अब मैं 4 इंच पे एक मार्क लगा रही हूँ और 4 इंच गहराई पे एक लाइन खींच रही हूँ। 4 इंच स्ट्रेट एक लाइन मैंने खींची और एक बॉक्स बना लिया और 1 इंच से 2 ज़्यादा मैंने एक तिरछी लाइन खींच लिए। ये बेगले का बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अब इसे मैं राउंड शेप दूंगी, जैसे मैं हम गोल गले का शेप देते हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही। एक एक इंच का मार्जिन रख के मैंने एक बाहर की कटिंग का निशान लगा रही हूँ। अब मैं बाहर से कटिंग करूंगी। हमारी फ्रंट के बेगले की कटिंग हो चुकी है। अब मैं बैक के बेगले की कटिंग बताऊंगी आपको। 4 इंच मैंने लेंथ में और 5 इंच मैंने चौड़ाई में फ्यूजिंग ली थी। मैं ये बैक का हम गला कट कर रहे हैं। ये 4 इंच इसकी भी हम चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। इसका भी हम ऐसे ही बॉक्स बना लेंगे और 1 इंच की तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको भी राउंड शेप दे देंगे। एक इंच का मार्जिन रखेंगे कटिंग का, इसको भी हम कट कर लेंगे। बूट नेक अगर हम फ्रंट एंड बैक दोनों के साथ बनाएं तो हमारा गला बहुत ही प्यारा लगता है, लुक इसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये हमारे बैक के और फ्रंट दोनों के गले की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। पेस्ट कर मैंने इस तरह की है कि मैं पहले गला भी पेस्ट किया और जो हमारी एक्स्ट्रा बुकरूम जो हमारी कटिंग में बची थी वो भी मैंने साथ पेस्ट कर ली है, क्योंकि इससे हमारी पेस्टिंग बहुत ही परफेक्ट होती है। और बेगले की अगर हमारी ज़रा सी भी ऊपर नीचे हुई तो हमारा बेगला खूबसूरत नहीं लगता स्टिचिंग में, तो इसलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसकी वो शर्ट के साथ पेस्ट कर स्टिच करूँगी। सबसे पहले वही फ्रंट पे एक सिलाई लगा लेंगे रफली और यहीं से मैं स्टार्ट करके हाफ एंड हाफ स्टिच करूँगी ताकि आसानी रहे और हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट बने। अब यहाँ से मैं सिलाई लगाऊँगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। यही मैं जो खुद स्टिच करती हूँ आसान तरीके से वही मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे से गला बना सकें। अब इस छोटे छोटे मैंने कट लगा लिए हैं, देखें कितना प्यारा लगा। और इसी तरह बेगला बैक का भी हम कट लगा लेंगे और प्रेस की मदद से इसको बिठा लेंगे। अब शोल्डर बैक फ्रंट एंड बैक दोनों के पीस ले लिए हैं मैंने और शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। गला खोल कर इसको भी हम पूरा स्टिच कर लेंगे इस तरह। फ्यूजिंग हमने पूरी बाहर की तरफ ले ली है, दोनों पीसेस की फ्यूजिंग हमने बाहर की तरफ लेके स्टिच कर रहे हैं। दोनों को जॉइंट करके फिर स्टिच करेंगे। अब हम इस तरह इसको तुरपाई कर देंगे गले की। इससे हमारे शोल्डर इतने परफेक्ट नज़र आते हैं। अब देखें कितना प्यारा गला रेडी हुआ है। बैक एंड फ्रंट दोनों का ही मैंने बेगला बनाया है।
आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।